सिंध में 35 साल बाद मिनी बस के रूट परमिट पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मिनी बस को रूट परमिट के इजरा की मंजूरी दे दी है। इसी पर हम बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह, वजह क्या बनी? जी शुक्रिया। बिल्कुल, कराची में जो सफरी सहूलियात है वो बिल्कुल नापैद है, लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। और 35 साल कबल 1985 में बुशरा जैदी का जो हादसा हुआ था ट्रैफिक का, उसके बाद से मिनी बस के जो है परमिट पे इजरा पर पाबंदी आई थी। और हुकूमत सिंध ने अब जो कराची में आलमी सतह पर जो ट्रांसपोर्ट का के हवाले से जो है कराची और खुसूसन सिंध हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि कराची में कोई भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, शहरियों को सफरी सहूलियात में मुश्किलात पेश आ रही है। और बिल्कुल कदीम सड़कें और कदीम बसें जो है खंडर बनी हुई वो इस सड़क पर चल रही है। इसी बिना पर हुकूमत सिंध ने मजबूर होकर बिल आखिर 35 साल बाद जो है 26 सीटर मिनी बसों पर जो है वो की इजरा पर पाबंदी उठा ली है। और इस सिलसिले में उन्हें प्राइवेट जो है निजी शोबे को कहा गया है कि वो बसें लाएं, क्योंकि हुकूमती सतह पर अब तक जो है ना वफाक की तरफ से कराची में बस चल सकी है और ना ही सिंध हुकूमत अभी तक किसी भी रूट पर बस चलाने में कामयाब हो सकी। ठीक, शाह वलीउल्लाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।